सो इन दिस टॉपिक विल बी फाइंडिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। सो स्टार्ट करते हैं एक रोटेटिंग बॉडी लेके। लेट्स से आई हैव अ रोटेटिंग बॉडी ऑफ इररेगुलर शेप। सो वापस एक इररेगुलर शेप का बॉडी लेंगे। दिस इज द ओनली डायग्राम जो आपका अभी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज इररेगुलर शेप, आप किसी भी शेप का बना सकते हो। सो दिस इज माई एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो लेट्स से दिस, लेट्स से कैपिटल एम इज मास ऑफ बॉडी। अब यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इन सबका इंडिविजुअल मास लेते हैं हम, हर एक पार्टिकल का m1, m2, m3 अप टू लास्ट पार्टिकल mn। ठीक है, यहाँ पे इन सबका एक्सिस के साथ एक रेडियस भी होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। सो ये सबका इंडिविजुअल रेडियस हो गया r1, r2, r3, rn एंड सो ऑन। सो वी नीड टू फिगर आउट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। टॉर्क जब भी एक्ट करेगा तो आपका बॉडी का कहीं ना कहीं मोमेंटम चेंज होगा, राइट? तो टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? टॉर्क एक्ट कितना कर रहा है फिगर आउट करने के लिए आपको हर एक बॉडी के, हर एक पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा है वो फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी के अंदर का हर एक पार्टिकल अलग अलग टॉर्क कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज हमको पता है कि टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू रेडियस, राइट? तो जब इस पर टॉर्क लगेगा तो हर एक पार्टिकल को अलग अलग फोर्स भी फील होगा और ये अलग अलग डायरेक्शन में भी होगा, क्योंकि जब बॉडी मूव करेगा तो बॉडी तो पूरा का पूरा घूमेगा, तो बॉडी के अंदर के हर एक पार्टिकल को भी ये फील होगा, राइट? तो सिंस सबका फोर्स अलग अलग है, सो ड्यू टू द रीजन सबका फोर्स अलग है प्लस सबका रेडियस भी अलग अलग है, सो इसलिए आपको जो इंडिविजुअल टॉर्क मिलेगा हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल टॉर्क वो कहीं ना कहीं अलग होगा। और ये सारे टॉर्क को एक साथ ऐड करके हमको फाइनल जो मिलेगा वो मेरे पूरे बॉडी का टॉर्क होगा। तो टोटल टॉर्क मेरा कितना होगा, लेट्स से पूरी बॉडी के टॉर्क को हम लेते हैं टाउ, एंड टॉर्क फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, 4 एंड अप टू द लास्ट पार्टिकल्स टॉर्क विच इज टाउ एन। Now we know that torque is equal to force into radius, right? So the total torque will be equal to individual force in individual, har ek ka apna apna torque, to isko main aise likh sakta hu, this is f1 into r1 plus f2 into r2 plus f3 into r3 plus f4 into r4 up to my last particle which is fn into rn। सो हमने एक स्टेप तो ले लिया, नाउ वी कैन ऑल्सो यूज ओवर हियर। हमने सबसे पहला क्या फॉर्मूला यूज़ किया, दैट टॉर्क यहाँ पे लिख देते हैं हम, सिंस टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। ओके, अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे कि हमको पता है फोर्स होता है मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? सो इफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सारे फोर्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स की जगह हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। F1 की बात कर रहे तो यहाँ पे आएगा M1A1, मेरा जो R1 था वो वैसा का वैसा रहेगा, प्लस सेकेंड वाले के लिए क्या आएगा, सेकेंड वाले के लिए मुझे यहाँ पर मिलेगा M2A2 और यहाँ पर आएगा R2 प्लस M3A3, R3 प्लस M4A4, R4 ये और चलते रहेगा, ये सभी का हम समीशन करेंगे। फाइनली आपका सबसे लास्ट जो पार्टिकल होगा उसके फोर्स को हम रिप्लेस करेंगे MnAn से और साथ में आपका रहेगा मल्टीप्लाई में Rn। सो ये पूरे को जब मैं सम अप करूँगा ना तब मुझे मिलेगा मेरा टोटल टॉर्क। सो ये मेरे टोटल टॉर्क का वैल्यू है, ठीक है? अब हम इसमें एक और चेंज कर सकते हैं, उसके पहले ये फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यानी किस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन आपका दो तरीके का होगा,
एक होगा कि आपका जिसके वजह से बॉडी एक्चुअल में एक्सेलरेट करे, यानी कि बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो। दूसरा होगा कि उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको याद रहेगा तो एक्सेलरेशन को हम दो अलग अलग तरीके से देखते हैं, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी आपका रेडियल एक्सेलरेशन जिसको हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में एक्चुअल में आपका जो पार्टिकल होता है वो एक्सेलरेट करता है, इसलिए इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन का रोल प्ले होता है और ये होता है आर अल्फा। और आपके रेडियल एक्सेलरेशन में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, इसका फॉर्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी इनटू एंगुलर वेलोसिटी, राइट। क्योंकि हर एक पॉइंट पे फोर्स जो लग रहा है उसका डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे आपका बॉडी मूव करेगा पार्टिकल का जो फोर्स लेट्स से यहाँ एक्ट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। तो आपका जो रेडियल कॉम्पोनेंट होता है वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट में आपका एक्चुअल में मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो इस केस में हम लेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्योंकि हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज देखना है। सो अगर हम ये कंसिडर करें कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है उसका जो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, विच इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। सो इसी को यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्लेस करें आर अल्फा से तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू मास इंटू आर वन, मास और आर वन सेम रखा है मैंने, हम सिर्फ चेंज करेंगे एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन मुझे कितना मिलेगा, ये हो जाएगा मेरा आर वन इंटू अल्फा। अब देखो पूरी बॉडी के लिए ये एक्सेलरेशन सेम होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मुझे अल्फा वन अल्फा टू ये सब पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लस करेंगे यहाँ मुझे मिलेगा एम टू आर टू साथ में आर टू अल्फा प्लस एम थ्री आर थ्री आर थ्री अल्फा प्लस एम फोर आर फोर आर फोर अल्फा। ये हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ वैल्यूज पुट करते जा रहे हो किसकी, आपका जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसकी, और आपका ऐसे ही लास्ट जो पार्टिकल रहेगा दैट विल बी एम एन आर एन आर एन अल्फा। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें करेंगे एक के बाद एक, पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमने क्यू इस फॉर्म में लिखा क्योंकि मेरा जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन सिंस ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके सो हम कंटिन्यू करते हैं। सो माई टॉर्क, अब यहाँ पर देखो अल्फा सभी जगह कॉमन है तो हम अल्फा बाहर ले सकते हैं, अल्फा हमने कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा एम वन आर वन इंटू आर वन प्लस एम टू आर टू इंटू आर टू सो ऑन, ऐसे करते करते आपका लास्ट जो होगा वो होगा एम एन आर एन इंटू आर एन। अब दो आर वन आर वन आर टू आर एन आर एन साथ में तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको स्क्वायर। सो दिस विल बी एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अप टू माई लास्ट पार्टिकल विच इज एम एन आर एन स्क्वायर। तुमने अल्फा कॉमन लिया, दोनों आर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब फाइनली ये सारे के सारे समीशन में मेरे फर्स्ट से लेके लास्ट तक एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर इंडिविजुअल सारे, तो क्या मैं इन सबको एक साथ समीशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, कैन आई से दिस दैट टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा इनटू समीशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर वेयर दिस विल बी आई विल बी इक्वल टू वन, वन से लेके एन तक सारी वैल्यू आपकी इसकी होगी यहाँ पर। और हमको एक और चीज़ पता है कि इसका जो समीशन होता है इसको तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकता हूँ, सो इसको हम ऊपर कंटिन्यू करते हैं या फिर चलो यहीं पे स्पेस यहीं पे लिख देते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंस वी नो दैट समीशन ऑफ
एम आई आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो विल बी रिप्लेसिंग दिस एंड विल बी गेटिंग दैट टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इन टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई कंप्लीट बॉडी. So the moment of inertia of my body which is rotating can be represented as product of moment of inertia and alpha. Here this is my torque, this is moment of inertia and this is my angular acceleration.